स्वागत है आपका मेरे किचन में यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे बची हुई दाल और सब्जी के साथ में स्वादिष्ट सांभर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी बची हुई दाल और सब्जियों का यूज करने का, या फिर अगर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं किसी सब्जी को तो आप इसमें मिलाकर दे दीजिए, चुपचाप उन्हें पता नहीं चलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट सांभर बना है, चलिए फटाफट बना लेते हैं। फिर दाल और सब्जी के साथ में सांभर यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या क्या है, कल की ये तूर दाल ले ली है मैंने बची हुई है सुबह की, आपकी जो भी बची हुई हो आप ले लीजिए। ये तूर दाल है लेफ्ट ओवर, और ये है लोबिया की सब्जी, ये भी बची हुई थी, ये करीब आधी छोटी कटोरी है, और दाल हमारे पास एक छोटी कटोरी दाल है। इस कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है, आप देख लीजिए। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश सब्जियाँ ली है, एक गाजर, थोड़ी सी लौकी, और यहाँ पे तीन बड़े बड़े टमाटर लिए, उनको तैयार कर लिया। अब इन सब्जियों को हम अच्छे से चॉप करके लाते हैं। पहले ये अच्छे से एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं, अब इसमें कोई भी अपने मनपसंद की सब्जी ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, उसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 चम्मच घी और 1 टीस्पून राई की तड़का लेंगे। जब हमारी राई अच्छे से तड़क जाए तब हम मैं यहाँ पे 10 से 12 चम्मच करी मिर्च का, थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आना चाहिए, इसके लिए जरा सा इसको यहाँ पे भून लेंगे। थोड़ी सी पकी हुई से करी मिर्च हो जाएगी तो उसका फ्लेवर अच्छा ऑयल के अंदर आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करके 1 टीस्पून लाल मिर्च या फिर स्वाद के अनुसार, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें यहाँ पे ये सारी कटी हुई सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम ढक करके अच्छे से पहले पका लेते हैं। ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, सब बीच में छोड़ के चला लेंगे। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो इसमें सारी सब्जियाँ डाली हैं वो ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा महीन महीन चॉप करके डाली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी, और फिर से हम इसको ढक करके पका लेंगे। तब तक यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक छोटे से बर्तन में थोड़ा पानी गर्म किया है, और ये इमली 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, आप इसको इसमें उबालने के लिए रख दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमली हमारी पहले से भीगी हुई नहीं थी तो इमली का पल्प निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए एक ये तरीका भी मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप घर पर इमली का पल्प तैयार कर सकते हैं। तो इसको गर्म पानी में डाल दिया है, अब इसको अच्छे से उबालने तक के देखिए हमारे इमली का पानी अच्छे से उबल चुका रहा है। इसे हम और 2 मिनट के लिए यहाँ पे उबालेंगे, फिर इसको छान के इमली का पल्प तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसे पकते हुए फिर से 5 मिनट हो चुके हैं, ये सब्जियों का पानी। अब हम इसमें ये बची हुई सब्जी भी डाल दे रहे हैं। इस सब्जी को भी मैंने अच्छे से लेफ्ट एकदम चॉप कर लिया है, एकदम महीन, इसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप इसमें अपनी कोई भी बची हुई करी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 इंच टुकड़ा गुड़ का। थोड़ा सा खट्टा मीठा सांभर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप भी बना के एक बार देखिए। और इसे हम वापस ढक करके पका लेते हैं।
देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये इमली का पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इमली का पानी ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 और ग्लास पानी, क्योंकि जो सांभर होता है वो बहुत ही जूसी होता है, उसमें बिल्कुल भी गाढ़ापन नहीं होता है। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी दाल है पकी हुई, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये दाल हमने देखिए इसमें ऐड कर दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे ढक करके 5 मिनट के लिए अच्छे से तेज आंच पे उबाल। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, तेज गैस पे ही मैंने पकाया था। ये देखिए उबलना शुरू हो चुका है ना, इसका मतलब ये हमारा सांभर बन करके बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद करके इसको सर्व कर लेते हैं। सब्जी के साथ आपका सांभर बन करके बिल्कुल तैयार है मिनटों में। इसे आप जब चाहे तब बनाइए और कोई जान नहीं पाएगा कि आपने इसे बची हुई दाल और सब्जी के साथ बनाया है। एकदम न्यू मेकओवर मिल गया है इसको, एकदम नई आपने डिश बना करके रेडी कर दी है। अब इसे आप चाहे तो चावल के साथ इंजॉय करिए, या फिर इडली डोसा या वड़ा किसी के साथ भी इंजॉय करिए। ये खाने और देखने दोनों में ही बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज ही आप इसे बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।